हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन फिर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाई वन क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चन, तो बात करें। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन द रिंग शोन इन द फोटोग्राफ। यानी फोटोग्राफ जो दिखाया गया है उसके अंदर कौन सा टाइप का सब्सटेंस जो डिपॉजिट होने से आंखें जो है वो इस कलर की हुई हैं। ऑप्शन देखिए, लेड, मर्करी, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। तो आप इमेज देख के बताइए कि आंखों के अंदर जो है वो किस चीज़ का डिपोजिशन जो है हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर। कॉपर जब भी मोस्ट ऑफ ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से डिजीज कंडीशन आ जाती है। डिजीज कंडीशन को बोलते हैं अपन विल्सन डिजीज। और आइज के अंदर कॉपर की वजह से रिंग बन जाती हैं और आइज का कलर जो है वो कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से चेंज हो जाता है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर। यानी कॉपर डिपोजिशन की वजह से आई का जो कलर है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्ट्रिप शोन इन द फोटोग्राफ। यानी फोटोग्राफ के अंदर जो स्ट्रिप दिखाई गई हैं वो कौन सी टेबलेट या कौन सी मेडिसिन की हैं, किस टाइप की मेडिसिन की हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मेडिसिन कॉम्बाइंड OCP, सेकेंड वन है आयरन फोलिक एसिड, नेक्स्ट वन है डॉट्स और सी वन है MDT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी MDT। मल्टी ड्रग जो ट्रीटमेंट या थेरेपी जो होती है वो अपन देते हैं जनरली लेप्रोसी वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और ये जो स्ट्रिप दिखाई गई है वो MDT की स्ट्रिप है। MDT के अंदर जनरली तीन ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है जनरली लेप्रोसी केस में जिसको डेप्सोन बोलते हैं। इसके अलावा रिफाम्पिसिन ड्रग होती है और क्लोफाजिमिन ड्रग होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जनरली एज ए MDT किसी भी लेप्रोसी पेशेंट को देते हैं। तो लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए कौन सी थेरेपी चलाई गई है, MDT चलाई गई है। बल्कि डॉट्स की बात करें, डॉट्स किसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है, TB को ट्रीट करने के लिए जाती है। तो स्ट्रिप जो दी गई है वो किसकी है, MDT की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। हेल्थ कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड है जो फोटोग्राफ के अंदर शो किया गया है। ऑप्शन देखिए, सिंपोजियम, फोकस ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस ग्रुप डिस्कशन। यानी ग्रुप डिस्कशन है, जनरली 8 to 10 पीपल जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें अपन पैनल डिस्कशन की, तो पैनल डिस्कशन के अंदर भी नंबर्स जो हों इतने ही होते हैं। डिस्कस ही किया जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेकिन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस किया जाता है, उस कंडीशन में अपन बोलते हैं पैनल डिस्कशन। सिंपोजियम का मीन्स होता है एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक असेंबली जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाती है काफ़ी नंबर्स के अंदर, उसके अंदर ऑडियंस जो प्रेजेंट रहती है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। बात करें वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप है वो किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उस पर्टिकुलर जितने भी उस ग्रुप के मेंबर हैं वो सब एक जगह कलेक्ट होकर जो है वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसका अपन बोलते हैं वर्कशॉप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पूटम डिस्पोजल इज। यानी स्पूटम डिस्पोजल का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फ्यूमिगेशन, बर्निंग, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और यूज ऑफ फिनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। स्पूटम जहां भी हुआ है जनरली स्पिल किट अपने को वो क्या करना पड़ता है, स्पिल मैनेजमेंट की तरह ही अपने उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, चाहे ब्लड हो चाहे कोई बॉडी का लिक्विड है अगर कहीं भी बिखर गया तो स्पूटम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड भी मिक्स किया जाता है, फिनोल भी मिक्स किया जाता है, उसको बर्निंग किसी पेपर पर स्पूटम को लेकर बर्न भी किया जा सकता है। बल्कि बेस्ट मेथड की बात करें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो बेस्ट मेथड क्या होगा, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट।
यानी आइसबर्ग जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस के ऊपर जो आइस है अगर पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, ऊपर ऊपर का जितना भी हिस्सा फ्लोट कर रहा है वो किस केस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देखिए, क्लिनिकल केसेस, अनडायग्नोज केसेस, कैरियर्स एंड इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिनिकल केसेस। जो ऊपर से फ्लोट करता अपने को दिखाई दे रहा है वो कौन सा पार्ट है? क्लिनिकल केसेस हैं। और जो नीचे जितना पार्ट बर्फ का जो है वो डूबा हुआ है पानी के अंदर आइसबर्ग का, वो कौन से केसेस को डिनोट करता है? जो अनडायग्नोज केसेस होते हैं, जो डायग्नोज नहीं हुए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसके साथ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ द कम्युनिटीज, यानी कम्युनिटी के अंदर सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है जो हेल्थ स्टेटस को डिनोट करवाता है? ऑप्शन देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी प्रिवेलेंस, रिसोर्सेज अवेलेबल, नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बर्थ के बाद लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है वो डिनोट करवाती है कि हेल्थ का स्टेटस जो है वो कैसा है। जितनी ज़्यादा लाइफ का एक्सपेक्टेंसी होगी बर्थ के बाद, हेल्थ स्टेटस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ें। और इसका राइट आंसर क्या होता है कि कौन सा इंडिकेटर होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग मैसेज इनटू वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल टू कम्युनिकेट द रिसीवर इज, मींस जो सेंडर है उसने मैसेज जो है कम्युनिकेट किया रिसीवर को थ्रू द वर्बल चैनल और नॉन वर्बल चैनल, तो वो मैसेज जो है वो कौन सा, किस टाइप का मैसेज कहलाएगा? ऑप्शन देखिए, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिकॉर्डिंग, प्रीकोडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनकोडिंग। जब भी सेंडर कोई मैसेज किसी भी चैनल के थ्रू सेंड करता है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, तो वो चैनल कौन सा कहलाता है या वो मैसेज कहलाता है? एनकोडिंग। जब भी रिसीवर उस पेशेंट उस मैसेज को जब रीड करता है तो वो क्या कर रहा है? उसको डिकोड कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है। तो रिसीवर की तरफ से अगर पूछा जाए तो वो डिकोडिंग होगा, सेंडर की तरफ से पूछा जाए तो वो क्या होगा? एनकोडिंग होगा। किसी भी पर्टिकुलर कोड के अंदर, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, गेस्चर, पोस्चर, किसी भी मेथड की सहायता से अपन जो अगर मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो एनकोडिंग होता है, रिसीव किया जा रहा है तो वो उसका क्या होता है? रीड करने को एक तरीके से अपन क्या बोलते हैं? डिकोडिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनकोडिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉर एंटीनेटल चेकअप आर ऑल एक्सेप्ट, मीन्स सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं एंटीनेटल चेकअप विजिट को लेके किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है एवरी 4 वीक टिल 28th वीक, एवरी 2 वीक टिल 36th वीक, एवरी वीक टिल 14th वीक, एवरी वीक टिल 12th वीक। तो इसका अपने को गलत आंसर देना है, मींस कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एवरी वीक टिल 12th वीक। यानी होता क्या है कि जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग की जो 28 वीक हैं तब तक प्रेगनेंट लेडी को हर एक 4 वीक से जो है एंटीनेटल विजिट के लिए जाना चाहिए। उसके बाद 28 से लेकर 36 वीक तक जो है हर एक 2 वीक से जो है वो क्या जाना चाहिए? एंटीनेटल विजिट के लिए जाना चाहिए। और 36 से लेकर 40 तक हर एक वीक के अंदर एंटीनेटल विजिट जो है वो होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट वर्ड दे रखा है, मींस कम से कम कितनी विजिट हो रही है, अगला ये पूछना चाह रहा है कि कितनी विजिट जरूरी होती है, कम से कम इतनी विजिट तो एक प्रेग्नेंट लेडी एंटीनेटल चेकअप के लिए करे ही करे। ऑप्शन देखिए, 2, 3, 1 एंड 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 to 4 एटलीस्ट एंटीनेटल विजिट जो होती है वो होनी होती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? 3। तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान 9th मंथ के दौरान कम से कम 3 एंटीनेटल विजिट तो जो वो है नेसेसरी हैं, होनी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन लॉस देयर पोटेंसी इफ एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर अबव 8 डिग्री सेंटीग्रेड और केप्ट इन फ्रीजर।
मीन्स क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि अगर ऐसा कौन सा वैक्सीन का ग्रुप है जो एक्सपोज हो रहा है या तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा, या उसको फ्रीजर में रख दिया जाए तो भी वो ख़राब हो चला जा रहा है, ऐसा कौन सा ग्रुप होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट वन है TT DPT एंड DT, ऑप्शन बी है TT DPT एंड पोलियो, ऑप्शन सी है TT DPT पोलियो एंड BCG, नेक्स्ट वन है TT DPT पोलियो एंड मीजल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, TT DPT एंड DT। जनरली TT के वैक्सीन है, DT का है, DPT का, इनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, फ्रीजर में रख दिया जाए तो भी ये ख़राब हो जाते हैं, और 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर रहे तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। TT जो है वो सबसे हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन होता है जनरली फ्रीजर के अंदर जब भी हम रखते हैं, और सबसे हीट सेंसिटिव जो होता है वो होता है पोलियो। तो ऑप्शन बी सी डी के अंदर पोलियो आ रहा है, इट मीन्स पोलियो तो हीट सेंसिटिव है, तो अपन -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, कई बार सही का पता नहीं रहता तो अपन ऐसे भी ऑप्शन को जो है वो कट कर सकते हैं। तो पोलियो तो बहुत हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रह सकता है, अपन फ्रिज के अंदर भी कीप करके रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है डायरिया, रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, कंजेनिटल एनोमलीज, नेक्स्ट वन है प्री मेच्योरिटी एंड LBW। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्री मेच्योरिटी एंड LBW। सबसे ज़्यादा 57% केसेस जो हैं वो अगर डेथ हो रहे हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अगर है IMR जो है, तो उस केस के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ जो किसकी वजह से होती हैं? लो बर्थ वेट की वजह से या प्री मेच्योरिटी की वजह से। सेकेंड अगर नंबर आता है तो किसका आता है? रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस का। तो सबसे मेजोरिटी या सबसे मोस्ट कॉमन को जो होता है वो क्या होता है? LBW या प्री मेच्योरिटी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज, मेटरनल मॉर्बिडिटी लिखा है, एक मोर्टिलिटी यहाँ सही वर्ड शूट होता है, मोर्टिलिटी अगर मदर के अंदर हो रही है तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या होगा? तो मोर्टिलिटी अगर मदर के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें इंडिया के अंदर, ऑप्शन देखिए पहले एनीमिया, हेमरेज, अबॉर्शन, सेप्सिस। तो इसका सबसे कॉमन कॉज क्या होगा? का सबसे कॉमन कॉज होगा ऑप्शन बी, हेमरेज। हेमरेज की वजह से सबसे ज़्यादा मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है MMR जो है अपने को देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं डेथ हुई है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की, तो वो किसकी वजह से होती है? हेमरेज की वजह से। तो हेमरेज का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, यानी ब्लीडिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टडी फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन आर ऑब्टेंड सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, डिसटिस्फाइड, विच टाइप ऑफ स्केल इज, मीन्स एक स्केल है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, चीज़ को लेकर सेटिस्फाई हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं। अगर क्राइटेरिया आपने को दी गई कोई क्वालिटी पे अगर अपने को असेसमेंट करवाया जाए तो कौन से टाइप की स्केल होगी? ऑप्शन देखिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। राइट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनल। यानी अगर क्राइटेरिया वाइज, क्वालिटी वाइज अगर अपने को डिफरेंशिएशन करवाया जा रहा है, दो स्केल, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, दोनों के दोनों क्वालिटेटिव डाटा के बेसिस के ऊपर हैं, बल्कि इंटरनल और रेशियो स्केल की बात करी जाए तो ये क्वांटिटेटिव डाटा के बेसिस के ऊपर हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा की बात करी जाए, नॉमिनल के अंदर आते हैं जैसे सेक्स है, ऐसी चीज़ें जो हैं, मतलब सेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलर किसी भी डिजीज कंडीशन का हो रखा है, किसी भी क्वालिटी के बेस पे किया जा रहा है, तो किसके अंदर आएगा? नॉमिनल के अंदर। और ऑर्डिनल के अंदर क्या आएगा? पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे दिया गया है, 1, 2, 3, 4, मीन्स किस क्राइटेरिया के बेसिस के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ जो शूट हो रही है। इस क्वेश्चन की बात करी जाए कि एग्री हैं कि डिसएग्री हैं कि एकदम एग्री हैं, मीन्स ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ऑर्डिनल स्केल के अंदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनल स्केल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ड्रग किट ए है उसके अंदर फॉलोइंग में से कौन सी ड्रग जो है, कौन सा कंटेंट जो है इन्वॉल्व नहीं किया गया है।
ऑप्शन देखिए आप, ORS, टेबलेट कोट्रिमैक्सोल, टेबलेट पैरासिटामोल और विटामिन ए सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टेबलेट पैरासिटामोल, ऑप्शन सी। यानी किट ए जो सब सेंटर पे प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर ORS, टेबलेट कोट्रिमैक्सोल और विटामिन ए सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट भी किट ए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। किट ए के अलावा किट बी भी होता है, उसके अंदर पैरासिटामोल है या बीटाडीन का कोई सॉल्यूशन है, कॉटन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें किट बी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो पैरासिटामोल टेबलेट जो पार्ट नहीं है किट ए का, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टेबलेट पैरासिटामोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ किट ए। ये किसके अंदर इन्वॉल्व करी गई है? किट बी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हेल्थ प्रमोशन एक्सेप्ट। फॉलोइंग में से कौन सा मेथड हेल्थ प्रमोशन का नहीं है? ऑप्शन देखिए, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वो हेल्थ प्रमोशन का कोई भी मेथड नहीं है। किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पर्टिकुलर अपन इम्यूनाइजेशन कराते हैं, ना कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या न्यूट्रिशनल एजुकेशन है। मीन्स अगर लेवल प्रिवेंशन, फर्स्ट प्रिवेंशन के अंदर या प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, प्राइमरी लेवल के अंदर अपन जो ट्रीटमेंट जिस टाइप का देते हैं वो लगभग मोस्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन का टाइप है। बल्कि इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रिवेंशन के लिए देता है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज जो है वो स्प्रेड ना हो या उससे बचा जा सके, उसके लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन। ऐसे ही क्वेश्चन के वीडियो जो है हम आपके लिए लेके आते रहेंगे कंटिन्यूसली। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहिए। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।